नमस्कार, न्यूज टाइम्स में सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं दिव्या और आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। चांडिल डैम के पिलरों में आई दरारें, जांच टीम ने व्यक्त की चिंता। टाटा स्टील परिसर में ठेकेदार द्वारा खुदकुशी के बाद हुई त्रिपक्षीय वार्ता। बुद्धेश्वर हत्याकांड का खुलासा, हत्या में प्रयुक्त हथियार के साथ तीन पकड़ाए। और यूसीएल प्रबंधन की बड़ी मुश्किलें, मुआवजे के लिए ग्रामीण हुए गोलबंद। अब खबरें विस्तार से। चांडिल डैम के पिलर में आई दरार की जांच के लिए डैम सेफ्टी रिव्यू पैनल की टीम के सदस्य गुरुवार को डैम के निरीक्षण के लिए आए। चांडिल डैम के पिलर संख्या 1 और 2 में दरार उत्पन्न हो गई है और इन दरारों के बढ़ने की आशंका है। गुरुवार को डैम सेफ्टी रिव्यू पैनल टीम के सदस्यों ने यहां पहुंचकर मौकाए मुआयना किया। टीम ने दरार पर चिंता व्यक्त करते हुए शीघ्र मरम्मतीकरण पर बल दिया। उन्होंने डैम की सेफ्टी का भी मुआयना किया, साथ ही फाटक और जल भंडारण आदि से संबंधित जानकारी भी ली। जांच टीम में CWC के पूर्व चेयरमैन AB पांडे और चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम भी मौजूद थे। टाटा स्टील परिसर में ठेकेदार द्वारा आत्महत्या प्रकरण में गुरुवार को बिष्टुपुर थाना में त्रिपक्षीय वार्ता संपन्न हुई। बागबेड़ा जिला परिषद सदस्य किशोर यादव ने पीड़ित परिवार को मुआवजा और मृतक के बड़े भाई जिसे किडनी रोग है उसका इलाज निःशुल्क करने की मांग रखी है। बैठक में कुछ दिनों बाद निर्णय लेने पर सहमति बनी है। बिष्टुपुर थाना में टाटा स्टील के पदाधिकारी राजीव मल्होत्रा जी और केशव जी आए थे, उनके सामने हम लोगों ने जो हमारे बागबेड़ा कॉलोनी के ठेकेदार उमेश पांडे जी का जो आत्महत्या से मृत्यु हुई है कंपनी परिसर में, उसको लेकर हम लोगों ने ये मांग किया कि उनका जो कंपनी के ऊपर बिल है बाकी है 25 से 30 लाख रुपए का, उस बिल को जल्द से जल्द रिलीज किया। 29 फरवरी को चाईबासा में वृहद सदस्यता अभियान की शुरुआत कांग्रेस द्वारा किया जा रहा है और इस बार 15 लाख कार्यकर्ताओं का लक्ष्य रखा गया है। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता राजेश गुप्ता ने कहा कि 29 फरवरी को वृहद सदस्यता अभियान चलाया जाएगा। स्थानीय मुख्यालय तिलक पुस्तकालय में उन्होंने मीडिया को बताया कि 15 लाख का लक्ष्य रखा गया है और सदस्यता ग्रहण करने वाला हर शख्स को पहले 2 साल तक साधारण कार्यकर्ता के तौर पर काम करना होगा। हमारे पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष, राज्य सरकार के मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव जी का यह लक्ष्य है कि सारे अध्यक्षों को लेकर, प्रखंड अध्यक्षों को लेकर, पंचायत अध्यक्षों को लेकर और तमाम जो हमारे फ्रंटियर काम करते हैं, महिला कांग्रेस हो, सेवा दल हो, युवा कांग्रेस हो, गणेश शिवाय हो, सारे साथियों को लेकर इस लक्ष्य को हम लोग पार करें। 29 तारीख को चाईबासा के गांधी मैदान में हमारे प्रदेश के अध्यक्ष, CLP लीडर, कार्यकारी अध्यक्ष केशव माथुर कमलेश जी, जोनल कोऑर्डिनेटर रामा खलखो जी और प्रदेश के सदस्यता अभियान के प्रभारी आलोक कुमार दुबे जी खुद वहां मौजूद हैं। पश्चिमी सिंहभूम के हमारे सांसद श्रीमती गीता कोड़ा जी भी इस सदस्यता के लिए काफी गंभीर है, चिंतित है और लगातार वो लगी हुई है। आज भी हमारा संपर्क हुआ है कि अधिक से अधिक लोगों को कांग्रेस की जो आइडियोलॉजी है, जो सिद्धांत है, आम जनता की सेवा करना, जनता की जो बेसिक नीड है उनको उनके तक पहुंचाना। सरायकेला पुलिस ने बुद्धेश्वर कुंभकार हत्याकांड का खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए जेल भेज दिया है। गिरफ्तार आरोपियों के पास से हत्या में प्रयुक्त पिस्तौल और चाकू बरामद किया गया है। बुद्धेश्वर कुंभकार की हत्या गोली मारकर कर दी गई थी और पूरे इलाके में लोग उद्वेलित हो गए थे और ग्रामीणों ने शव के साथ घंटों सड़क अवरुद्ध कर दिया था। गिरफ्तार शेख अनवर और अख्तर हुसैन का आपराधिक इतिहास रहा है। दिनांक
23/2 को रात में करीब 8:30-9 बजे के करीब हम लोगों को सूचना मिली थी कि मुदेश्वर कुमकर जो बीरवांश के रहने वाले हैं तो उसका अनवर के माध्यम से हत्या की गई है। एक जमीन विवादित जमीन था उसको बेचने को लेकर के मुदेश्वर कुमकर और अनवर के बीच में जो है कुछ झगड़ाएं चल रही थी और इसी को लेकर के अख्तर जो है उनके कथन अनुसार अनवर मुदेश्वर कुमकर को गोली मारा है उस दिन और उस समय जो गाड़ी चलाते हुए आ रहा था वो आसिफ अली है। यूसील के नए प्रोजेक्ट और ओपन कास्ट ब्लास्टिंग योजना के विरोध में ग्रामीण गोलबंद हो गए हैं। गुरुवार को ग्रामीणों ने उपायुक्त कार्यालय का घेराव करते हुए जोरदार प्रदर्शन किया। हमने हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों ने 15 दिनों का अल्टीमेटम देते हुए कहा कि आदिवासियों की जमीन लेकर विस्तारीकरण किया गया है मगर किसी को न तो मुआवजे की राशि दी गई और न ही नौकरी। इसके अलावा कंपनी द्वारा कराए जा रहे ब्लास्टिंग पर भी उन्होंने रोक लगाने की मांग की है। यूसील का माइंस ओपन कास्ट माइंस चल रहा है। विगत 15 साल से तुरमडी प्रोजेक्ट में नए प्रोजेक्ट ओपन कास्ट माइंस चल रहा है जिसमें 105 एकड़ यूसील हमारे गांव के जमीन को एक्वायर किया गया है लेकिन अभी तक उन्होंने गांव के एवज ग्रामीण के एवज में जो रैयती लोगों को ना नौकरी ढंग से दिए हैं और ना उनको समुचित मुआवजा दिया है ना पुनर्वास की व्यवस्था करें। जबरन हमारे पेड़ पौधे कुआं तालाब को अपने दादागिरी के तौर पर उन्हें और डाल रहा है उसका मुआवजा भी नहीं। एमजीएम अस्पताल में सुधार हेतु प्रयास तेज है। गुरुवार को स्वच्छता और कचरे निष्पादन हेतु एक टीम ने अस्पताल परिसर का जायजा लिया। कोल्हान के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल एमजीएम अस्पताल की व्यवस्था में सुधार हेतु सरकार लगातार प्रयासरत है। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के निर्देशों के बाद लगभग हर दिन जांच टीम पहुंच रही है और अस्पताल की कमियां और जरूरतों की लिस्ट बना रही है। गुरुवार को कचरा निष्पादन हेतु एक टीम ने मुआयना किया। सचिव महोदय का निर्देश के आलोक में यहाँ वेस्ट मैनेजमेंट बायोमेडिकल वेस्ट का मैनेजमेंट कैसे हो रहा है इसको देखना है और जो खामियाँ हैं उसको कैसे दूर किया जाए, क्या क्या आवश्यकता उसमें है, उसमें मैन पावर हो, इंसिनरेटर का हो, या वेस्ट सेग्रीगेशन का केबिन बनाने का हो, या उसमें बकेट की जरूरत हो, या जो भी उसमें वेस्ट डिस्पोजल में समस्याएँ हैं या और कुछ इनोवेटिव आइडिया हो सकता है उसको देखने के लिए। वन विभाग की भूमि पर लगातार हो रहे अतिक्रमण को देखते हुए सरायकेला वन विभाग ने कमर कस ली है। टाटा कांड्रा मार्ग पर सुधा डेयरी के समीप वन विभाग की भूमि पर आदित्यपुर नगर निगम द्वारा कचरा डंप किया जा रहा है। सूचना पाकर सक्रिय वन विभाग की टीम ने निगम के 2 वाहनों को पकड़ा। आपको बताते चले कि आदित्यपुर नगर निगम की आबादी लगभग 1.5 लाख है और ठोस कचरा निष्पादन का कोई विकल्प न होने की वजह से इन कचरों को जहां तहां डंप कर दिया जा रहा है। दिन से देख रहे हैं यहां पूरा रोड में चलने वाला, यहां अगल बगल वाले सब कंप्लेन कर रहा है कि यहां कचरा डंप हो रहा, कचरा डंप हो रहा। ये मामला बहुत दिनों से चलते आ रहा है। यहाँ पे ये फॉरेस्ट लैंड है जी, जो कि वहाँ पर बोर्ड लगा हुआ अनुसूचित वन भूमि का जी। इसके बावजूद ये लोग चुपके चुपके यहाँ नगर निगम वाले लोग और कंपनी वाले लोग आकर के यहाँ पर कचरा दम कर देते हैं। यहाँ अगल बगल जो रहने वाले लोग भी और सड़क वाले लोग भी कंप्लेन करते रहते हैं कि यहां से बहुत स्मेल करता है, बहुत ज्यादा कचरा दम होता है, इसको अविलंब रोका। मेडिकल अस्पताल को लेकर जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाया है। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के निर्देश पर जांच आरंभ कर दी गई है। कांतिलाल अस्पताल के नाम से पहचाने जाने वाले अस्पताल अब मेडिका कहलाता है। उसे सरकार की ओर से बेहद कम दर पर जमीन उपलब्ध कराई गई थी मगर यहां गरीब मरीजों के साथ अच्छा बर्ताव नहीं होता है। शिकायतें मिलने पर मंत्री ने जांच का निर्देश दिया है। ये जो मामला है इसमें बेसिकली कांतिलाल मेमोरियल हॉस्पिटल को भूमि आवंटित की गई थी दरपट्टे के आधार पर और वर्तमान समय में ये शिकायत प्राप्त हुई है कि उसका जो संचालन है वो जिन शर्तों पर भूमि
दी गई थी उन शर्तों के अनुकूल हो रही या नहीं हो रही है इसके जांच की आवश्यकता है। और इसी के आलोक में ये देखने के लिए कि जिन शर्तों के आलोक में भूमि का आवंटन किया गया था उन शर्तों के अनुपालन के साथ उसका प्रयोग हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसके लिए अपर समाहर्ता और साथ ही साथ जिला अवर निबंधक और जो असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं इन तीनों लोगों के सदस्यता की एक समिति का गठन किया गया। चांडिल बाजार चौक के पास लगे ट्रांसफार्मर की वजह से रोड जाम की स्थिति उत्पन्न हो जा रही है और लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ट्रांसफार्मर की वजह से प्रतिदिन चौक में जाम की स्थिति उत्पन्न हो जा रही है और लोग घंटों जाम में फंसे रहने को मजबूर हो रहे हैं। इससे कारोबारी और नौकरी पेशा दोनों प्रभावित हो रहे हैं। इतना ही नहीं, आए दिन लोग एक दूसरे से उलझते भी देखे जा रहे हैं। इधर प्रशासन ने ट्रांसफार्मर को अन्यत्र शिफ्ट करने की योजना बनाई है। चांडिल मेन रोड में चौक बाजार स्थित इलेक्ट्रिक पोल है जिसको लेकर के आए दिन चांडिल के ग्रामीणों ने शिकायत करते रहे। शहर में साहसिक खेलकूद और एडवेंचर स्पोर्ट्स का आयोजन जिला प्रशासन द्वारा किया जा रहा है। इसका आयोजन डिमना लेक और पहाड़ी क्षेत्रों में किया जाएगा। झारखंड सरकार पर्यटन कला एवं संस्कृति और खेलकूद विभाग द्वारा साहसिक खेलों के प्रति युवाओं की रुचि बढ़ाने हेतु ये कदम उठाए जा रहे हैं। प्रमुख दार्शनिक स्थल डिमना लेक और आसपास के चयनित पहाड़ी इलाकों में एडवेंचर स्पोर्ट्स का आयोजन होगा जिसमें वाटर स्पोर्ट्स और माउंटेनिंग और ट्रैकिंग शामिल है। क्या कहते हैं उपायुक्त, आइए सुनते हैं। साहसिक पर्यटन और साथ ही साथ एडवेंचर स्पोर्ट्स के दृष्टिकोण से 29 से लेकर के 2 मार्च तक के लिए प्रातः 8 बजे से लेकर के और सायं 5 बजे तक गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा डिमना लेक के पास। और ये कार्यक्रम झारखंड सरकार के पर्यटन कला संस्कृति खेलकूद विभाग और साथ ही साथ जिला प्रशासन के तत्वावधान में आयोजित किया जा रहा है। ब्राह्मण युवा शक्ति सेवा द्वारा गुरुवार को वीर शहीद चंद्रशेखर आजाद की पुण्यतिथि के मौके पर वृद्धाश्रम में बुजुर्गों को भोजन परोसा गया। ब्राह्मण संघ द्वारा प्रत्येक वर्ष वीर शहीद चंद्रशेखर आजाद की पुण्यतिथि पर उन्हें याद किया जाता है और अपने परिजनों और सगे संबंधियों से दूर रहकर एकाकी जीवन जी रहे बुजुर्गों की सेवा की जाती है। उन्हें भोजन परोसा जाता है और वस्त्र आदि प्रदान किए जाते हैं। वहीं नमन संस्था द्वारा साक्ची स्थित कार्यालय में वीर शहीद चंद्रशेखर आजाद को उनकी पुण्यतिथि पर याद किया गया एवं श्रद्धांजलि दी गई। सिद्धगोगा सूर्य मंदिर परिसर में नवनिर्मित राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा से पूर्व भगवान राम को नगर भ्रमण कराया गया जिसमें पूर्व सीएम रघुवर दास के अलावा हजारों की संख्या में भक्त शामिल हुए। बस इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए न्यूज टाइम्स की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।